बीते मंगलवार नू मौसम दे विच कई रंग देखण नू मिले, जिथे दिन दे विच काफी गर्मी सी तां उत्थे ही रात होण तक अचानक बदल छा गए ते तेज हवावां भी चलण लगियां, जिस दे कारण कई थाई नुकसान भी होया ते कई थावां दे उपर दरख्त डिगण दे नाल काफी नुकसान भी होया। तेज हवावां चलण दे नाल सैक्टर 19 स्थित गुरुद्वारा साहिब दे अंदर मौजूद एक दरख्त घर दे वल टुट के जा डिग गया, ते जिस दे नाल घर दीआं खिड़कीआं ते सणे दीवारां नूं काफी नुकसान पहुंचिआ, ते उत्थे ही दूजे पासे इस नुकसान नूं देखदिआं होइआं स्थानक लोकां दा कहिणा है कि इह नगर निगम ते प्रशासन दी वड्डी लापरवाही है। इस नूं लै के साल 2022 दे विच शिकायत भी कीती गई सी, पर नगर निगम ने कोई कारवाई नहीं कीती ते जिस दे चलदे इह दरख्त डिग्गिआ। सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया, रब का शुक्रिया कि बच्चे बच गए, बच्चे कल यहीं खेल रहे थे रैंप पे, और यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी मारुति स्विफ्ट, जो कि सिर्फ भगवान का करिश्मा था कि जैसे जैसे वो गाड़ी हट रही थी वैसे वैसे पेड़ गिर रहा था। अगर वो गाड़ी हटने में एक सेकंड भी देर लगा दे तो पेड़ उसके ऊपर गिरता। बच्चे खेल रहे थे, बाई चांस बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर की तरफ निकले गेट से और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि पेड़ ऐसे ऐसे भूकंप आया हुआ था, डर गए सारे, रोने लग गए और देखा पेड़ गिरा हुआ है, और पेड़ गिरा भी हमारे दरवाजे के पास था जहाँ से हमारा आना जाना होता घर का, वो सारा रास्ता बंद हो गया था। 2-3 घंटे हम घर के बाहर ही फंसे रहे क्योंकि अंदर घर के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। अगर ये बच्चे हमारे बाई चांस अगर 1-2 सेकंड जल्दी या लेट होते तो वो बिल्कुल पेड़ के मौके पे होते, तो हम तो भगवान से यही शुक्रिया करते जान बची। हालांकि थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हुआ है, रेलिंग टूट गई है, फर्श टूट गए हैं, पत्थर टूट गए हैं। ये जो पेड़ था ये 40 फुट लंबा पेड़ था, हमारी बिल्डिंग से भी 10 फुट और ऊपर जाता था। इसकी कई बार 2022 में अगस्त के महीने में 25 अगस्त को मैंने 5-6 बार एप्लीकेशन डाली हॉर्टिकल्चर को, इसकी प्रूनिंग करी जाए या इसको काटा जाए, इतना बड़ा हो गया, रिस्क टू लाइफ है, इसमें कीड़ा भी लगा हुआ था पेड़ में, पर वो आगे देख के गए, मेरे को बिना बताए उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इनको ये चाहिए जितने भी पेड़ हैं इनकी प्रॉपरली कटिंग करें, कटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए तभी ये ठीक रहेंगे, अदरवाइज तो पेड़ जो है ये नीचे गिरते रहेंगे। बड़े पुराने पेड़ हैं, इनकी जड़ें नीचे से खोखली हो जाती हैं। दे शुड नो इट, एनीथिंग कैन हैपन, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे शुड गवर्नमेंट शुड सी दिस। इन्ना ही नहीं, स्थानक वासियों का यह भी कहना सी कि हुण 1 साल पहला माउंट कारमल स्कूल दे विच अजिही ही घटना वापरी सी, जिस दे चलदे दरख्त डिगण दे नाल विद्यार्थन की मौत हो गई सी, ते उस तो बाद भी प्रशासन नहीं जागया। जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट।